सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें और मजीद वीडियोस के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। आप देख रहे हैं आवाम के उठाए गए सवालात, हालात आज़रा पर तबसरों, तज़ियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज़ लाइन रिदा सैफी के साथ। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान, मेरा आपसे एक सवाल है। अगर PK 8303 में आपके अपने दो बच्चे होते हैं और आपको उनके कभी रिमेन्स ना मिलते और आप 5 दिन मारे मारे फिरते और आपको पता ना होता कि आपने किससे कांटेक्ट करना है, आप एक आंख, एक नाक, एक हड्डी किसी चीज को तरस। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा सैफी। नाज़रीन, जब जुल्म हद से बढ़ जाता है तो मिट जाता है, ये हमने बहुत बार सुनते आए हैं बचपन से। कहते हैं रब ताला जब अपने बंदों को आज़माने के लिए उनकी रस्सी मज़ीद ढीली करता जाता है और जब अल्लाह रस्सी खींचता है तो फिर जुल्म भी मिट जाता है और ज़ालिम भी कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहता और मुंह के बल आ गिरता है। ये बात हर जी शऊर को समझ कर ही अपने हर अमल को सर अंजाम देना चाहिए। ईद इस बार बड़ी ही सादगी के साथ और ना सिर्फ सादगी के साथ बल्कि बोझल दिल के साथ और बोझल तबीयत के साथ जो है अफसोस के साथ गुजरी। एक तरफ कोरोना का मामला जिससे पूरी दुनिया नबर्दाजमा है, दूसरी जानब PIA का अफसोसनाक तैयारा हादसा जिसने पूरी कौम को सोगवार कर दिया। सबसे अफसोसनाक बात यह है कि हादसे हो जाते हैं और कई हादसे पहले भी पेश आते रहे लेकिन अनफॉर्चुनेटली कभी उनके जिम्मेदारों का तायुन नहीं हो पाता। मुझे याद है जापान का एक तैयारा था जो गिर गया था और जब उसका अफसोसनाक हादसा पेश आया तो उसके बाद जो मेंटेनेंस का या जो टेक्निकल का जो हेड था उसने सुसाइड कर लिया, जो मिनिस्टर था उसने सुसाइड कर लिया, बाकी लोगों ने रिज़ाइन देके ज़िम्मेदारी को एक्सेप्ट किया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम इतने बेहिस हो चुके हैं मिन हैसुल कौम, हम इतने हमारे ज़मीर हमारे दिल इतने मुर्दा हो चुके हैं कि हम सिर्फ ये कोशिश कर रहे होते हैं और ये तलाश कर रहे होते हैं कि किसके ऊपर इस गलती को का जो सहरा है वो ठहराएं और उसको भेजें और तायुन कभी भी नहीं हो पाता जो ज़िम्मेदार होते हैं, उन्हें सज़ा भी नहीं मिल पाती अनफॉर्चुनेटली। एक तरफ रवाहकीन अपने प्यारों को खो देते हैं और दूसरी जानब जब वो दाद रसी के लिए भटकते रहते हैं लेकिन कोई भी उनकी मदद के लिए नहीं आता। आज से 5 दिन पहले जुम्मतुल विदा पे ये अफसोसनाक वाकया पेश आया। आज 6ठा दिन है इस वाकये का जिसमें 3 दिन ईद के भी गुजरे हैं लेकिन लवाहकीन मारे मारे फिर रहे अपने प्यारों के रिमेन। जैसे कि अभी आपने वीडियो देखी है आज ही, और उस माँ की वीडियो है जिसके 2 बच्चे इस तैयारा हादसे में थे जिनके रिमेन्स नहीं मिल रहे, जिनकी डेड बॉडीज़ नहीं मिल रही। और ये कह देना तो शायद बहुत आसान लग रहा है कि यहाँ बैठ के मैं ये अल्फाज का चुनाव करके अदा कर रही हूँ लेकिन जिस भारी दिल से कर रही हूँ वो मैं जानती हूँ। अंसार नकवी भाई हमारे ही फ्रेटर्निटी के एक सीनियर सहाफ़ी, बड़े ही मोतबर, बड़े ही शफीक, उनकी वाइफ से मैं जब परसों उनके घर गई हूँ तो जिस तरह का उस घर का मंजर था शायद मैं वो भी बयान नहीं कर सकती। राना अंसार साहिबा जो उनकी मिसेज़ हैं, जिस तरह से वो कह रही थी कि आप प्लीज़ जाके सिर्फ एक बात ज़रूर कोट करें कि ये 5 लाख रुपए, ये 10 लाख रुपए का अनाउंस कर देना खाली, ये हम सदक़े में देते हैं, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, हमें ये बता दें कि हमारे प्यारे किधर हैं, कब मिलेंगे, कब DNA होगा, कब मैचिंग होगी, क्योंकि ले चुके हैं सारी चीज़ें लेकिन अभी तक
Nobody is there to give an answer or properly facilitate these people. एक तो अफसोसनाक मामला ये है, दूसरी जानब जब मैं ये देख रही हूँ कि इस मुल्क के अंदर बड़ी अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि मज़लूम मज़लूम तर और ताकतवर ताकतवर तरीन बनता जा रहा है. मुल्क में क्या कानून भी सिर्फ गरीबों के लिए ही रह गया है? अमीरों क्या बरी ज़िम्मा है कानून से भी? ये कैसी रियासत बनती जा रही है? कैसा पाकिस्तान था? इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान था, फलाई रियासत था, तो फिर यहाँ पर क्यों इंसाफ नहीं मिल रहा? लोग ये सवाल करते हैं क्यों ताकतवर जो है गरीबों का मजाक उड़ाते हैं या अपने से नीचे लोगों का मजाक उड़ा रहे हैं और क्यों गरीब ही रह गए हैं? क्योंकि ऐसी कई मिसालें हम इस वक्त सोशल मीडिया पे देख रहे हैं. इसी एक महीने के अंदर अंदर ऐसी वीडियोस वायरल हुई जिनको देख के लोगों ने उन पर कमेंट किया, टॉप 10 ट्रेंड बन गया. और ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि उनको पूरी दुनिया में डिस्कस किया जा रहा है और पूरी दुनिया देख रही है कि हम वाकई कितने महज़ब लोग हैं, हम किस तरह ताकत के नशे में चूर होकर अपने से नीचे लोगों को कमतर समझकर उनके साथ कितना बैड एंड वर्स बिहेव करते हैं. जहाँ बासर अफराद ताकत के नशे में चूर नज़र आते हैं और मज़लूम चाहे वो तैयार है हादसे का शिकार हों या फिर किसी बासर आदमी के जुल्म का शिकार, इंसाफ की तलब में सर झुकाए खड़े रहते हैं. और साथ ही साथ ये मुल्क में जो बासर अफराद हैं वो अपनी मनमानियाँ करते नज़र आ रहे हैं. कोई पूछने वाला, कोई पाछने वाला, कोई रोकने वाला, कोई टोकने वाला नहीं है. ताकतवर खानदान ताकत के नशे में इंसाफ को हाथ में लिए फिर रहे हैं, लेकिन अफसोस के साथ इस पर कोई एक लफ्ज़ नहीं बोल रहा है. बहुत शर्म आती है जब ये देखा जाता है. और साथ ही साथ एक और बड़ी शर्मिंदगी की बात, जब ये जो वीडियोज़ वायरल हुई अभी रिसेंटली, जो कल एक वाकया हुआ और उससे पहले जो एक वाकया हुआ था, जो जिनको रास्ता नहीं मिला था जिन खातून को, तो इस तरह के अफराद ने अपने कामों के लिए और अपनी जारादारी के लिए इदारों के नाम भी बदनाम करने शुरू कर दिए हैं. उस वीडियो में भी इदारे का नाम था जिसको इस्तेमाल करके जो है वो खातून बदतमीज़ी कर रही थी, और रात को और कल जो ये वाकया पेश आया जिसकी वीडियो वायरल हुई है, उज़्मा जो एक्ट्रेस है उनका भी, उसमें भी जी इदारे का नाम लेके उसको भी मुतज़ाद बनाया जा रहा है, उसको मुतनाज़े उसको भी बनाया जा रहा है. और उस हवाले से भी जो है बड़ी अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जो वायरल हुई वीडियो थी जिसमें खातून ने बताया कि वो एक बासर शख्स की बीवी है, और अब ये जो सोशल मीडिया पर वायरल हुई वीडियो है उसमें भी जो अदाकारा उज़्मा खान उन पर तशद्दुद हुआ है, घर में तोड़ फोड़ की वीडियो वायरल हुई है. बहरहाल मुकदमा तो दर्ज हुआ है, लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि ये क्रिमिनल एक्ट में भी आता है. उस वीडियोस में कैटेगोरिकली आप देख सकते हैं, पूरी दुनिया ने देखी वो वीडियोस, उसमें क्रिमिनल एक्ट भी है, उसमें हैरेसमेंट भी है, उसमें रेप की बात भी की जा रही है, उसमें उठा उठा के चीजें मारी जा रही है किसी को. सो ये कहाँ का इंसाफ है? ये कहाँ का कानून है? ये कौन सी रियासत है जिसमें आप इंसान होने की की भी डेफिनेशन भूल चुके हैं? आप ये भी भूल चुके हैं कि इंसान को तो अशरफुल मखलूकात का दर्जा दिया था रब ताला ने? आप ये सब कुछ भी भूल चुके हैं और जितनी मनमानियां हैं आप वो धड़ल्ले से कर रहे हैं, ये सोचे समझे बगैर के इन सारी बातों का जवाब आपने देना है. बहरहाल अगर आपने दुनिया में नहीं देना तो मरने के बाद तो देना ही देना है. खुदा का खौफ भी हमारे अंदर से आहिस्ता आहिस्ता कहीं ना कहीं निकलता ही जा रहा है. हम बिल्कुल मुर्दा कौम हो चुके हैं कि सही को सही कहने में भी डरते हैं, गलत का तयन करने में भी डरते हैं, उस पर लपकुशाई नहीं करते हैं इस वजह से कि जी हम क्यों किसी को सही और गलत के मामले में, किसी और का पराया फड्डा है शायद इसलिए, कोई पराया बंदा हादसे में मर गया इसलिए. लेकिन दिस इज द टाइम नाउ कि वी हैव टू स्पीक ऑन दीज थिंग. इफ वी डू नॉट स्पीक ऑन दीज थिंग्स सो नेक्स्ट टाइम इट कुड बी अस, हमारी बारी आ सकती है, हम में से कोई हो सकता है. बहरहाल इस सारी चीजों पर बात करूंगी. आज का दिन भी बड़ा इंतहाई अहमियत का हामिल है क्योंकि पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बने 22 साल मुकम्मल हो चुके हैं. 28 मई 1998 को बलूचिस्तान के मकाम पर 5 कामयाब एटमी धमाके किए गए थे और उस दिन को ही यौम तकबीर के नाम से याद रखा जाता है. एटमी मुल्क तो बन गए हैं, मुल्क का दिफा भी मजबूत बना लिया है, लेकिन मुल्क की मईशियत, तालीम और सेहत को कब बेहतर बनाएंगे, ये वो सवालात होंगे जो मैं अपने मौजूद मेहमानों से कहूंगी. आप लोग की इजाजत से एक वक्फे की जानिब बढ़ी, वापस आते हैं. वेलकम बैक नाजरीन. और ब्रेक पे जाने से पहले
मैं आपसे जिस तरह से बता के आपको सारी चीज़ें कही, आप बेहतर तरीके से इसको जज कर सकते हैं कि पूरे मुल्क में क्या सूरत हाल है इस वक्त। मेरे मौजूद मेहमान यहाँ पैनल में मौजूद हैं। सबसे पहले मैं जाती हूँ, मेरे साथ बैठे हैं अली खुर्शीदी साहब हैं एम क्यूम पाकिस्तान से MP, उनको खुश आमदीद कहूँगी, थैंक यू सो वेरी मच अली फॉर ज्वाइनिंग अस। उनके हमारा बैठे हैं मोहम्मद अली अजीज़ जी हैं पाकिस्तान तरीके इंसाफ के MP, उनको खुश आमदीद कहूँगी, थैंक यू सो वेरी मच, आपने अपना कीमती वक्त दिया। सबसे पहले तो मैं अली आपकी जानिब आऊँगी, मुझे बताएं आज का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है, पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बने 22 साल मुकम्मल हो गए, 28 मई का दिन जब चागी पर 5 कामयाब एटमी धमाके किए थे। एटमी मुल्क तो बन गए हैं, दिफा भी मजबूत बना लिया हमने, मुल्क की मईशत तालीम सेहत को कब बेहतर बनाएंगे? बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में मदद करने के लिए। सबसे पहले जो तैयार हादसे में तमाम जो शहीद हुए अफराद उन सब के लिए दुआ मगफरत, इसके साथ साथ कोरोना से जो वबा है उससे जो मुतासर हो चुके हैं, 1000 से ज़्यादा नंबर हो चुका है जो कैजुलटीज़ हो चुकी हैं, उनके लिए भी मगफरत की दुआ। सवाल यौम तकबीर से रिलेटेड है, बिल्कुल ये जो एटॉमिक बम या हम एटमी ताकत बने थे तो उस वक्त ये वो हिस्सा था उस चीज़ का या उस क्लेम का कि जिसमें हम कहते हैं कि पाकिस्तान का जो दिफा है वो नाकाबिल तस्खीर हो गया, तो ये उसका पार्ट था और इसमें कलेक्टिव एफर्ट्स से हम लोग बहुत स्वीपिंग स्टेटमेंट दे के चले जाते हैं। इसमें डॉक्टर अब्दुल कदीर खान का एक कलीदी किरदार था और उसको हमें बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहिए, और उनकी टीम का और तमाम अफराद जो पूरा सिलसिला जो पिछले 70 की दिहाई से शुरू हुआ था कि जिसमें 70 की दिहाई से स्टार्ट होने के बाद 80s में फिर उसमें इंडक्शन की गई और फिर बिलाखिर 1998 28 मई को जो है हमने 5 एटमी धमाके करके दुनिया को बावर कराया कि पाकिस्तान जो है वो इसको आप मतलब इसका दिफा जो है वो नाकाबिले तस्खीर है और मजबूत हाथों में है। सवाल का आपका दूसरा हिस्सा कि मईशत तालीम सेहत कब ठीक होगी, मेरे ख्याल से 70 साल से ज़्यादा कर से गुजर चुका है। एक हॉट टॉपिक है, हम चूँकि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज से ताल्लुक़ रखते हैं, हम यहाँ डेवलपिंग स्टेज में हम लोग ये जो है प्रोग्रेस कर रहे हैं, यकीनन प्रायोरिटीज़ होनी चाहिए, साथ साथ दिफा भी ज़रूरी है, ये मईशत भी ज़रूरी है। कुछ पैचेज आए कि जिसमें हमने मईशत पे काम किया और उसके समरात नज़र आने लगे कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक हुआ, डेवलपमेंट साइड पे काम हो सका, अनफॉर्चुनेटली तालीम और सेहत पे उस अंदाज़ से खर्च नहीं कर सके या उस अंदाज़ से इन्वेस्टमेंट नहीं कर सके। मिनासुल कौम में बात कर रहा हूँ, किसी पॉलिटिकल पार्टी को मैं टारगेट नहीं कर रहा क्योंकि एक बहुत सारा एक 40 साल का अरसा जो है इसमें एक डिक्टेटरशिप भी रही है, तो इसमें कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है हम सब की और हमें सबको मिलकर ही अगर हम समझते हैं कि ये सारी ज़रूरियात हैं ज़िंदगी हैं और ये इम्पॉर्टेंट हैं। मिसाल के तौर पे कोरोना वबा जो आज पेंडेमिक सिचुएशन है, वबा की सूरत इख्तियार कर चुकी है कोरोना, तो उसमें भी अगर हमारा हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होता तो ये वाली सिचुएशन नहीं होती जो आज हम फेस कर रहे हैं, तो हमें प्रायोरिटीज अपनी सेट दोबारा बैठना होगा। बिल्कुल आज हम वेंटिलेटर्स की बात कर रहे हैं कि हमारे पास इतने सौ हैं जो डेवलप कंट्रीज हैं उनके पास दे हैव द इंफ्रास्ट्रक्चर, दे हैव ऑल द थिंग्स, ऑल्दो के उधर भी प्रॉब्लम है, ऑल्दो के उधर भी कैजुअलिटीज ज़्यादा हैं, उधर इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, हमारे पास पाकिस्तान में उस इंटेंसिटी पे नहीं है, बट इसके बावजूद हमें तालीम और सेहत को प्रायोरिटी रखना चाहिए, आज मिलके बैठ जाना चाहिए, अगर नहीं करेंगे तो आगे खुदा ना खासा और बुरी सूरत हाल ना हो। ठीक है, अच्छा सूबाई वजीर सिंध इस्माइल राहू साहब ने भी हमें ज्वाइन किया हुआ है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, उनको भी शामिल गुफ्तगू कर लेती हूँ, खुश आमदीद कहती हूँ, फिर मैं अली अजीज जी साहब आपकी जानिब आऊंगी। थैंक यू सो वेरी मच इस्माइल राहू साहब फॉर ज्वाइनिंग अस, थैंक यू, आप साथ ही रहिएगा। अली अजीज जी साहब आपकी जानिब आऊंगी। अली अजीज जी साहब आप क्या कहेंगे, डू रियली अग्री विद दैट कि हमने एटमी मुल्क तो बन गए, मुल्क का दिफा भी मजबूत किया, आज का दिन सेलिब्रेशन का दिन है अनडाउटेडली इस हवाले से, लेकिन जहां तालीम और सेहत और मईशत की बात है उसमें हम बहुत पीछे रह गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपके बुलाने का जी। इस पर कोई शक नहीं है कि एटमी ताकत तो बन गए इसमें, और इसमें क्रेडिट देना चाहिए अब्दुल कदीर खान को भी, जो उनका बड़ा उसमें उनका रोल है उसमें, और ये पहले भी हो जाता जो इसमें 1998 में हुआ उससे पहले कर सकते थे, बहरहाल खैर जब दे रहा है दुरुस्त है, हो गया माशाल्लाह, आलमी कुव्वत में हम भी आ गए इसमें और सबको मुबारकबाद भी है उसमें। बात जो आप बात जो कर रही हैं कि तालीम के हवाले से सेहत के हवाले से, देखें ये तो पूरा मैं समझता हूँ प्री प्लान किया गया, 30 साल जैसे खुर्शीद भाई ने कहा 40 साल या 30 साल, ये तो प्री प्लान इस चीज़ की तबाही की गई जान के, वो मैं ये नहीं कोई ये ना समझे कि जी मैं किसी को ब्लेम कर रहा हूँ ये, लेकिन हर कोई जानता है ये
प्लान के साथ किया गया ताकि तालीम नहीं होगी, अब पढ़ेगा लिखेगा नहीं कोई तो कुछ बोलेगा नहीं, कोई उठेगा नहीं, तो ये लोगों के साथ एजुकेशन के साथ तो ये किया गया, करप्शन के चक्रों में किया गया, अपनी पावर्स के चक्कर में किया गया। आप हिस्ट्री उठा के देख लें, 30 साल 35 40 साल की हिस्ट्री, कौन रहा है इक्तदार में, क्या नहीं हो सकता था। फिर मैं इनसे वो इत्तेफाक नहीं करता हूँ, भाई है मेरे, कि इन्होंने कहा डिक्टेटर भी बीच में रहा है, डिक्टेटर कैसे, कोई ताल्लुक ही नहीं है। जब चीज़ सिस्टम जब चल रहा होता है ना तो सिस्टम के साथ चीज़ें चल रही होती हैं, सिस्टम पहले से ही कोलैप्स कर गया हमारा, क्योंकि उसको बाकायदा तौर पर किया गया, स्कूल ख़राब किए गए, एजुकेशन ख़राब की गई, तमाम पूरे पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ मैं। इसी तरह आप हेल्थ उठा के देख लें, सब चीज़ तबाह बर्बाद किए गए। आज 70-75 साल हो गए हमारे मुल्क को बने हुए, आज भी हम भागते हैं बाहर। पहले क्या लोग नहीं आते थे पढ़ने के लिए यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ में, मुझे बताएं आप, आते थे ना, तो आज नहीं आते, आज उल्टा लोग जा रहे हैं यहाँ से, हॉस्पिटल्स में यहाँ पे लोग नहीं एडमिट होते हैं, बाहर के मुल्कों में प्रेफर करते जाना, क्यों कि आपने जो हमारे हुक्मरान थे उन्होंने तबाही कर दी, वो चाहते नहीं थे कोई उठ के दूसरा मिडिल लोअर क्लास से कहीं नीचे से उठ कर आए और ऊपर आए, ये तो प्रॉपर तरीके से किया गया। अभी भी मैं समझता हूँ कि अब इंशाल्लाह जिस तरीके से काम हो रहा है इस पर, मैं इसलिए बोलना चाहता हूँ, ठीक है मेरे पार्टी के चेयरमैन ने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, मुझे फ़ख्र महसूस है कि कोई फ़ख्र करता हूँ मैं उस पर, क्योंकि इमरान खान साहब किसी एक उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है पैसे के अंदर लालच में, ऐसा प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को चाहिए था जिस तरीके से अब आया प्राइम मिनिस्टर, तो अब उम्मीद है इंशाल्लाह कि चीज़ें अगर आज स्ट्रीमलाइन होती हैं, या 2 साल अभी तो जो मुल्क के हालात हैं, इकॉनमी आपके सामने ही है, किस तरीके से बुरा हाल था जो मिला है, तो चीज़ों को टाइम लगता है ठीक होने में, फ़ौरन ओवर द नाइट चीज़ें नहीं ठीक हो जाती हैं। आज अगर हम एजुकेशन के ऊपर, मैं एजुकेशन के इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर आज एजुकेशन के ऊपर हम बुनियाद डालते हैं चीज़ों में जिस तरह टाइम लग रहा है, तो 15 से 20 साल लगेंगे आपको फ्लाई करते हुए एजुकेशन की, जो नई जनरेशन आएगी सारी पढ़ी लिखी, तो उसमें टाइम लगेगा, ओवरनाइट कोई चीज़ें नहीं हो जाती हैं, लेकिन ख़राब किया गया अपने करप्शन के चक्रों में, ये चीज़ें सब इसलिए ख़राब होती हैं, क्यों हमारा मुल्क क्यों पीछे रह गया, इसी वजह से हर चीज़ में पीछे रह गया। ओके ठीक है, इस्माइल राहू साहब आपकी जानेब आऊँगी, इस्माइल राहू साहब मेरी आवाज़ आपको आ रही है ना? जी आवाज़ आ रही है। इस्माइल राहू साहब, आज का दिन यकीनन बड़ा अहम है, 28 मई को जिस तरह से हम जानते हैं कि चाकी के मकाम पर 5 कामयाब एटमी धमाके किए गए, और उसी दिन यौम तकबीर के नाम से आज हम इस दिन को आज तक याद रखे हुए हैं और मनाते भी हैं। मेरा सवाल वही है कि यकीनन हमारे मुल्क का दिफा मजबूत है और नाकाबिल तस्कीहातों में भी है, जैसे कि अली खुर्शीदी ने भी कहा, और जिस डेफिनेट सी बात है, हम बड़े उस पर कॉन्फिडेंट हैं, जहाँ वहाँ हम कॉन्फिडेंट हैं इस लाइन के उस पार, तो लाइन के इस पार हमारी जिम्मेदारी थी कि जी हम मईशत को भी इंटरनली ठीक करते, तालीम और सेहत के शोबे को भी बेहतर से बेहतरीन बनाते, उसमें भी हमारा सानी ना कोई मिलता या हमारा नाम दीगर ममालिक की फहरिस्त में जो है टॉप 5 टॉप 10 में होता, लेकिन वहाँ हम बहुत पीछे रह गए। हाउ वी कैन कोप अप विद इट? देखिए, जैसे आपने कहा कि हम एटमी ताकत बने 28 मई को 1998, तो ये एटमी ताकत जिसकी शुरुआत बुनियाद रखी थी जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने, और उसका ये विजन था, उसको अंदाज़ा था, उसको पता था कि पाकिस्तान के सिक्योरिटी के मामला को अपने पड़ोसी ममालिक के क्या क्या खतरे हो सकते हैं और किस कदर इस बात की आइंदा चल के अहमियत होगी, तो सही जुल्फ़िकार अली भुट्टो के विजन में उसी की पहल में ये सारा का इंडियन गवर्नमेंट ने आपको जवाबी कार्रवाई करके धमाके करके ये ऐलान किया कि हम इतनी ताकत है, लेकिन जो बैलेंस ऑफ पावर को रखने के लिए ये बहुत ही एक अहम और जरूरी है, और खास तौर पर हम इस बात का विजन हमारे लीडर का आप उस बात से लगा सकते हैं कि खासतौर पर जब हिंदुस्तान में ऐसे फंडामेंटल और मोदी जैसे इंतहा पसंद लोग जब हुक्मरान हों और जिनके चौथी पसंदाना अजायम हों, जिनका रवैया जो हिंदुस्तान के अंदर मौजूद पाकिस्तानों के साथ है, कश्मीर में जो मजालम खाए जा रहे हैं वहाँ, उसमें मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की ऐसा ताकत होना इंतहाई जो है वो अहमियत का हामिल है, जो एक न फकत पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए
जरूरी है, बल्कि पूरे खिते के पावर को बैलेंस करने के लिए और हिंदुस्तान के इंतहा पसंदाना अजाइम को रोकने के लिए भी उतना ही अहम है। अब आगे आने की दूसरी बात है, हम एटमी हैं, ये हमारे लिए खुशी की बात ही है, लेकिन बुनियादी तौर पर कई ऐसे डेवलप करती हैं तो एटमी पावर नहीं है, लेकिन वो सैनी के मामले में, शहर के मामले में या दूसरे जो शोबे हैं जिंदगी से पहले रखने वाले, उसमें बड़े ताकतवर हैं और आगे हैं। अब हमें 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 इस सिलसिले में देखें, अगर मैं समझता हूँ अगर ये सिलसिला जमहूरियत का यकीनन हुकूमतों क्या तो होते हैं, लेकिन अगर ये सिलसिला इलेक्टेड गवर्नमेंट का चलता और उनको जो मौसम में किया जाता, डिस्टर्ब में किया जाता, आमरियत ना आती, प्रायोरिटीज ना आती और ये जो बात की गई तहरीर की खराबी का, तो मैं समझता हूँ कि इसकी सबसे पहली शुरुआत जो थी वो सिर्फ जालत के जमाने से, जनरल ज्याद हल्क के जमाने से तहरीर में इस किस्म की भर्तियाँ की गई और इस किस्म के मामला लाए गए कि तहरीरी इदारे बिल्कुल ही तबाह और बर्बाद करके रखे गए। तो यकीन अगर डेमोक्रेटिक सिस्टम चले, जमहूरी हुकूमतों से स्टेबल होने हैं बिल्कुल, में आपको पता है कि कई सदियां लग गई हैं, कई डिकेड्स लग जाते हैं, लेकिन आगे चल के आते आते उन्होंने अपने आप को रिफाइन किया है, बेहतर किया है, क्योंकि ये जमहूरी हुकूमतें हैं, हाँ। पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो आवाम को जवाबदार हैं। ठीक है, आप समझते हैं कि तसलसल रहता अगर जमहूरियत का तो बेहतरी आ सकती थी। मेरा मकसद है कि जमहूरी पार्टियां जो होती है, पॉलिटिकल पार्टी जो होती है, अवाम को जवाबदार होती है, उनको अकाउंटेबल होना होता है, अवाम के पास जाना होता है, ठीक है, और उनको हिसाब किताब देना होता है। जो आमरियत है उनको किसी को आज तक सबसे हमारे ममालिक मुल्क को सबसे बड़े नुकसान जो तहजीब हुई है हमारी, और तीनों आपके मेहमानों का इस हवाले से डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव है और मौकिफ आ गया, जो कि मैं समझती हूँ कि अच्छा हो गया है इसके हवाले से। दूसरा मैं इस बारे में अब जानना चाहूँगी अली आपसे, सबसे पहले अली खुर्शीदी, के तैयारा हादसा होता है, अफसोसनाक, आज 5 दिन हो गए। अनफॉर्चुनेटली मैं कुछ लोगों से मिलने भी गई जिसमें अंसार नकवी साहब की भी फैमिली शामिल है, और जो उन लोगों का हाल है यहाँ पे मैं देख रही थी, फिरदौस शमीम नकवी साहब ये कह रहे थे कि सिंध आर्टिकल एक रेफरेंस बना के उसके तहत कह रहे थे कि इस मामले में सिंध हुकूमत जो पीपल्स पार्टी की है उसको उसके ऊपर जो है वो एक तरीके से जो है इंक्वायरी करनी चाहिए, उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। मामला फिर से ये सिंध और वफाक और इस तरह का क्यों शुरू हो गया, ये क्या इंसानियत का मामला नहीं है और इतना दर्दनाक और अफसोसनाक हादसा है कि इसके ऊपर तो मेरे ख्याल से सियासत बनती नहीं थी। बिल्कुल सही कहा, आपकी जो लास्ट लाइन थी वो बिल्कुल सही थी कि इस पे कम अज़ कम इस इशू पे जो है हमें जो है वो यकजा होकर हमें तैयारा हादसा पहली बार नहीं हुआ है, पहले भी होता रहा, PIA की हिस्ट्री रही है, उससे पहले फिर एयर ब्लू का भी हादसा हुआ था और फिर ये वाला सिलसिला एयरलाइन का हुआ मल्टीपल। तो शफाफ इंक्वायरी, अगर हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है कि हमारे यहाँ जो रिवायत रही है, सियासी रिवायत रही है कि कमीशन बना दिया जाता है और उसको फिर जो है वो उसकी रिपोर्ट कहाँ जाती है, कैसे होती है, कौन कल्प्रिट से, कौन रिस्पॉन्सिबल थे, नोबडी नोज। और होता ये है कि 4-5 दिन 8 दिन 10 दिन टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहता है और उसके बाद चूंकि एक नई हैपनिंग हो जाती है तो लोग फिर उस पर लग जाते हैं और फिर पिछला भूल जाते हैं। एग्जांपल सेट करनी चाहिए, नई हुकूमत है PTI की, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उनके ऊपर कि इसको जो है वो बिल्कुल इसमें सियासत का अंसर डाले बगैर एक ट्रांसपेरेंट इंक्वायरी की जाए और जो भी कल्प्रेट है या जो भी रिस्पॉन्सिबल हैं कि उनकी वजह कर या कोई टेक्निकल रीजन था, पायलट की गलती थी, कुछ भी था, उसको सामने लाना चाहिए ताकि जो लवाहिकीन हैं जिनके प्यारे जो थे उस तैयारे में सवार थे उनको कम से कम जवाब तो की वीडियो आपने आगाज में देखी जो दो बच्चों को ढूंढ रहे कुछ फैमिलीज के पास हम भी गए और जो सिचुएशन वहां जाके फील मतलब वो आप अल्फाज में बयान नहीं कर सकते हैं कि उनके ऊपर क्या गुजर रही होगी। तो इस सूरत हाल में बजाय इसके कि हम ब्लेम गेम पर चलें,
हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा करना चाहिए और ख़ास तौर पे इसमें किरदार अदा करना चाहिए वफाकी हुकूमत का, और वो जो है वो एक ट्रांसपेरेंट इंक्वायरी कराएं, जिसके लिए जो हवाबाजी के वजीर हैं गुलाम सरवर खान वो खुद भी आए थे, फैक्ट्री से मुलाकात की थी गवर्नर साहब के साथ गए थे। इस पे ट्रांसपेरेंट इंक्वायरी होनी चाहिए और एमकेएम पाकिस्तान की तो ये डिमांड है राइट फ्रॉम द फर्स्ट डे कि इस पे इंक्वायरी हो के जो जो चीज़ें हैं सामने हैं लवायकीन को तसल्ली और तशफ़ी तो हो कम अज़ कम कि क्या वजह थी कि ये सूरत हाल हो गई। यहाँ कयास आई है कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज तो यहाँ पे बहुत सारी चल रही होती हैं कि जी उसकी मेंटेनेंस नहीं हुई थी, आया कि हुई थी नहीं हुई थी, वो कब पता लगेगा? वो तभी पता लगेगा कि जब कमीशन में तमाम चीजें आपकी तरफ आऊंगी। आप बड़ा ही अफसोसनाक वाकया है, मुजरमाना गफलत भी इसमें कहीं कहीं जाएगी कि लोगों की है। आज जो हवाबाजी के जो वजीर हैं गुलाम सरवर साहब वो कह रहे थे कि इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट जो है वो 22 जून को पार्लियामेंट में और आवाम के सामने पेश कर देंगे, लेकिन आज 6 डेज हो गए हैं। वजीर आजम साहब ने भी स्टेटमेंट तो दिया और बहरहाल वो बार बार इंस्ट्रक्ट भी कर रहे हैं कि तमाम तकाजे पूरे किए जाएँ इंसाफ के तैयारा हादसे में, लेकिन अभी जैसे कि आप वीडियो देख रहे थे ऐसे बहुत सारे ख़ानदान हैं, इवन अंसार नकवी साहब खुद जो हमारी फ्रेटर्निटी के हैं आलम जन्नतुल्फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, बड़े ही मोतबर शख्स और बड़े ही नरम मिजाज शख्सियत के हामिल थे वो, उनकी तक अभी तक रिमेनिंग और बॉडी जो है रिमेन्स और बॉडी जो है वो चीज़ें नहीं मिली हैं। ये माँ दो बच्चों के लिए तड़प रही है, 6 दिन हो गए हैं, क्या समझते हैं कब तक चीज़ें जो हैं वो स्मूथ होंगी और चीज़ें कब तक हो जाएंगी? लेकिन सबसे पहले तो हकीकत है कि एक बहुत ही अफसोसनाक हादसा पेश हुआ आया और इसमें जिसमें बहुत से लोग शहीद हो गए, उनके अल्लाह ताला उनकी मगफ़रत करे, उनको जर्र फरदौस में जगह अता फरमाए, उनके घर वालों को सब्र दे, हिम्मत ताकत दे, ये इंसान जो हो गया उनके साथ और जो 2000 बच गए अल्लाह ताला उनको भी सेहत दे। इसमें देखें इसमें सच्ची बात है, इसमें समझ नहीं आता इंसान किस क्या बोले क्या नहीं बोले, ऐसा दर्दनाक इशू है ये कि हकीकत में कि अच्छा भी लगता कोई इंसान कोई बात करता है, कोई कुछ और ले जाता है, लेकिन देखें ये हर चीज़ का अपना एक प्रोसेस है। वो ठीक है डिले है, मैं मानता हूँ इसमें डिले ज़रूर है, हो जाता है ये ऐसी चीज़ों में, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे एक इशू है फॉरेंसिक लैब का भी इशू है यहाँ पे। इसी तरह गवर्नर इमरान इस्माइल साहब ने शुरू में कुछ दिन पहले कहा था कि भाई हमें पंजाब से लाहौर से सपोर्ट लेनी चाहिए इसके लिए, जिस पे यहाँ पे जो हेल्थ मिनिस्टर हैं अज़रा पेचियो उन्होंने काफ़ी उसको तनकीद का निशाना बना दिया कि गवर्नर को ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। इस पे आवाम के लिए हेल्प की हम बात कर रहे थे, हमारे पास वो यहाँ पर सिंध के अंदर वो वसाइल नहीं है यहाँ पर, तो अगर हम वहाँ से एक सपोर्ट ले रहे थे तो वो अच्छी बात ले लें, लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ देखें हर चीज़ का अपना एक प्रोसेस है, वो प्रोसेस जैसे पूरा होगा इंशाल्लाह अल्लाह करे जल्दी से जल्द हो जाए ताकि जो लोग परेशान हैं इस वक्त, जिस तरीके से आपने रिकॉर्डिंग दिखाई, ऑफकोर्स बींग अ फादर मुझे भी एहसास है कि कितना एक ये इतना दुख भरा ये चीज़ है कि जाहिर है वो उन्हीं वही जब बता सकते हैं कि क्या बीत रही होगी उन पर, लेकिन मैं सिर्फ ये कहूँगा कि देखें एक चीज़ का प्रोसेस है, वो टाइम लेगा चीज़ें। इसी तरह ए बस फ्रांस से भी टीम आ गई है, वो भी अपनी डिटेल चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन ये फॉरेंसिक वाला जो इशू है ये मैं समझता हूँ कि इसको जल्द से जल्द फ़ौरन होना चाहिए ताकि जो लोग शहीद हो गए उनके कम अज़ कम उनकी जो बॉडीज़ हैं वो उनके जो भी हैं लोग उन तक पहुँचे, वहाँ पर मिलनी चाहिए उनको। इस्माइल राव साहब आपकी तरफ आऊँगी, इस्माइल राव साहब बताइएगा, अज़रा पेजू साहबा फरमा रही थी कि इंटरनेशनल सेंटर फॉर केमिकल एंड बायोलॉजिकल साइंसेज की फॉरेंसिक लेबॉरेटरी डीएनए की मैचिंग के लिए 24 घंटे काम कर रही है, साथ ही वो ये भी फरमा रही थी कि 54 लाशों के साथ क्रॉस मैचिंग पर काम किया जा रहा है। इस्माइल राव साहब, फैसल एधी साहब का स्टेटमेंट आया आज से 2 रोज़ कबल, यानी कि ईद का दूसरा तीसरा दिन था, जब उन्होंने कहा कि जो लवाहिकीन हैं वो ज़ाहरी शनाख्त पर जो है वो बॉडीज़ को लेके जा रहे हैं, डीएनए पे काम नहीं हो रहा है। मैं ख़ुद ऐसे कुछ घरों में मिलकर आई हूँ जिसमें मैं जो है वो बेबांग दहल कह सकती हूँ कि इंसान नकवी साहब की भी फैमिली शामिल है, डीएनए लिया है लेकिन मैचिंग का अभी तक काम नहीं हुआ, ये माँ तड़प रही है। अगर हम अपने ऊपर रख के सोचें, अपने घर पर रख के सोचें, तो मेरे ख्याल से रूह कांप उठे हमारी, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये कब तक मुकम्मल होगा? क्योंकि मामला सिंध की हदूद में इसलिए आ गया क्योंकि कराची में गिरा जहाज, तो अभी इस वक्त बड़ी भारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सिंध हुकूमत के ऊपर। देखें रिजा, जैसे आपने बताया अभी, तो मैं तो कुछ में दो बातें करूंगा।
एक तो खैर वैसे ये बहुत ही जो हादसा हुआ है ये बड़ा ही शानदार है, बड़ा बहुत अलमिया है, जितना भी अफसोस किया जाए बहुत कम है। रूह कांप जाती है सर। बिल्कुल, जिसके जब ये फुटेज आते हैं या वगैरह जो भी आता है पता देख नहीं पाता जिसके सिचुएशन होती है, जब इतनी काबिल बर्दाश्त है और अल्लाह न करे कोशिश तो आइंदा ऐसे सानियात से बचा जाए। और जब हम ये बात करते हैं कि इस मामले की शफाफ तहकीकात होनी चाहिए और जो जिम्मेवार हो, जो रिस्पॉन्सिबल हो, उसको सजा भी मिलनी चाहिए और रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स भी होनी चाहिए और ये मामला कौम के सामने, पूरे मुल्क के सामने आने भी चाहिए, खुल के सामने आने चाहिए। तो ये सब तो उसमें दो मामला होते हैं, एक तो ये इंसाफ होना चाहिए, जो इतना बड़ा हादसा हुआ शहीदी हुई ये तो जिनके दिलों पे ये गुजर रहा होगा वो उससे ज्यादा महसूस करते होंगे, लेकिन हम आप सब इसको महसूस करते हैं तकलीफ को, दर्द को। लेकिन अब जो आइंदा भी बचने के लिए जरूरी है कि ऐसे मामला में वो शफाफ और ट्रांसपेरेंट इंक्वायरी होनी चाहिए। इस हुकूमत का कहना पड़ता है कि कहा गया था जैसे वाकत ऐसे बोलना है, लेकिन जैसे कहा गया सानिया पाईवाल हुआ तो भी बड़े बुलंदबाज दावा किया गया, ऐलान किया गया यदि इंक्वायरी होगी ये होगी कोई बच नहीं पाएगा। जो कत्ल हुए बच्चों के सामने जो उनके सामने उनको इंसाफ मिलेगा, लेकिन सर आप हम सब जानते हैं कि सानिया साहिवाल की इंक्वायरी का क्या हुआ, कहाँ गई, कुछ आज तक पता नहीं है। सर जब रेलवे के हादसा होते हैं, इतने सारे हादसा होते हैं, तो भी अगर कोई बड़ा हादसा भी हो जाए तो उसमें ये कि जी वो किसी ने वो चूल्हा जलाया था, किसी ने क्या गया था, और सारे मामला मिट्टी डाल के दफन कर दिया जाता है। तो उसमें एक तो बड़ी ज्यादती होती है कि हकायक को छुपाया जाए, दूसरी ये बात होती है कि हम रास्ता खोल देते हैं आइंदा भी ऐसे हादसा और एक्सीडेंट के लिए। अच्छा दूसरी बात, अभी जो आपने जैसे हम कहते हैं कि ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, हम कोई नहीं, हम फकत अब देखें खुद हुकूमत या पायलट जो है उनकी जो पालपा है इसके में वो कह रहे हैं कि हमें इसमें हम स्टेक होल्डर है, हमें इसमें शामिल किया जाए। अब अगर सिविल एविएशन ही करेगी, सारे मामला भी उसकी तरफ है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उसकी तरफ जाती है, और अगर तहकीकात भी वो करेंगे तो मेरे ख्याल में ये कैसे शफाफ इंक्वायरी होगी, कैसे ट्रांसपेरेंट होगी, कौम इस पर एतमाद कैसे करेगी, बिल्कुल नहीं करेगी। तो यही है हमें कोई हम बिल्कुल ये ऐसा हादसा है जिसमें सियासत करना ये तो आपके कंसर्न आ गए ना इन्वेस्टिगेशन के हवाले से, इन्वेस्टिगेशन के हवाले से और जो हादसा हुए उसके ऊपर कंसर्न आ गए पीपल्स पार्टी के। मैं आ रहा हूँ हाँ। जो बात की गई डीएनए की, जो अब जो इस वक्त जो जरूरी अमल है जिसके लिए लोग तड़प रहे हैं अपनी बॉडीज के, अपने प्यारों के लवाकिन तड़प रहे हैं। अब हमने अगर अगर कोई किसी से मदद देखें, ये वफा की हुकूमत है, पीआईए का मामला है, और ये अगर कोई कहीं से भी मदद लेना चाहता है डीएनए के लिए तो हमने तो उसको इनकार नहीं किया या रुका नहीं है, हम नहीं रुक सकते, हमने कभी नहीं कहा कि आप किसी से मदद न दें या न करें। वफा की हुकूमत है, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस है, सिविल एविएशन है, ये वफा के मातहत इदारे हैं, ये कोई भी इंतजाम उठा सकते हैं जिन लोगों के साथ इतना तेजी हुई है, हादसा हुए हैं, रिलेटेड करने के लिए उनके मामला को आसान और सरल बनाने के लिए वो कोई भी इकदाम करें, तो किसने रोका है उनको, किसने कहा है कि ये आप नहीं कर सकते ये कर सकते हैं। दूसरी बात, जब हमने सब बात की, जब कहा गया कि यहाँ कोई डीएनए की फैसिलिटी नहीं है हाँ। तो हमें वजाहत देनी पड़ी, हमने कहा कि नहीं यहाँ फैसिलिटी 2019 से हमने कायम किए, ये खुद जामिया यूनिवर्सिटी में मौजूद है और उसका जो इंटरनेशनल सेंटर फॉर केमिक्स एंड बायोलॉजी साइंसिस का जो डायरेक्टर है मोहम्मद इकबाल चौधरी, उसका भी वाजह तौर पर एक पैगाम स्टेटमेंट भी आ चुका है, उसने कहा कि हम बिल्कुल फैसिलिटेट कर रहे हैं, हम हेल्थ डिपार्टमेंट के मातहत और उनके जरिए काम कर रहे हैं गवर्नमेंट के, और हम इस मामले में डीएनए टेस्ट कर रहे हैं, लेकिन उसका एक प्रोसेस होता है, एक तरीका होता है और उसमें थोड़ा टाइम लगता है। तो मेरे ख्याल में इस वक्त डीएनए का काफी अमल जो है वो तेजी के साथ चल रहा है और हमारी कुछ कोशिश है कि हम इस मामले में इतना भी फैसिलिटेट कर सकें। आपको पता है कि जैसे ही हादसा हुआ
जाए वकीलों पे रेस्क्यू टीम को थी, कुछ गवर्नमेंट की जो टीम है यूनिवर्सल की टीम के साथ खुद वहाँ पहुंचे जाए हादसा पे ताकि जितनी भी मुमकिन मदद। अभी भी मजीद कितना वक्त दरकार है ये अमल प्रोसेस पूरा होने में, क्योंकि इस वक्त तक लवाहिकीन जो है ना अपने प्यारों की रिमेन्स को लाशों के लिए वो तड़प रहे हैं। मैं बार बार इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा है कि आप इस पे बात करें। देखें ये तो एक टेक्निकल इस बात पे एग्जेक्टली कमेंट कर सकता है या क्या बता सकता है जो मैं, लेकिन जो जहाँ तक मुझे जहन में आ रहा है कि जो डायरेक्टर का स्टेटमेंट था उसमें ये था कि 2-3 हफ्ते में हम ये मुकम्मल कर लेंगे सारा। माय गॉड, अली अजीज साहब आप वफाक से चुके हैं, मैं मुझे ये बताएं कि कब तक ये प्रोसेस कंप्लीट होगा, क्योंकि आपके सामने है लोग बेचारे बहुत परेशान हैं। देखिए इस पे तो ज़्यादा मैं बात नहीं करूँगा क्योंकि आई कैन अंडरस्टैंड एंड आई कैन फील पर्सनली कि किस तरीके से लोगों का हाल है इस वक्त, जितना परेशान है, जिनके प्यारे चले गए हैं। फिर बात वही है कि अब जैसे ये बता रहे हैं राउ साहब के DNA की फैसिलिटी यहाँ मौजूद है सिंध में, तो अगर है तो फिर इस पर 2-3 हफ्ते की क्यों बात कर रहे हैं, फिर उसको प्रोसेस करें उसको फटाफट, जो भी करना है अगर फैसिलिटी आपके पास यहाँ मौजूद है तो करें उसको करके, ताकि लोगों के हवाले करें उनकी जो भी जो बेचारे इस वक्त परेशान हैं। ये तो ये इसलिए हमने गवर्नर साहब ने इसलिए कहा था कि इनके पास यहाँ पे नहीं है, तो इसलिए कहा था पंजाब के लाहौर के, वहाँ से कोई हेल्प चाहिए तो वहाँ पर रेफ़र कर देते हैं, जो कि यहाँ पर इन्होंने हेल्थ मिनिस्टर ने नहीं माना, उन्होंने कहा कि नहीं हमारे पास सब कुछ है। तो मैं समझता हूँ अगर है तो प्लीज़ इस पर थोड़ा सा ये लोग पुश करें और जो के लोग हैं उनको जाके DNA करा के प्रोसेस करें। अली खुर्शीदी आपके अपने घर से एक पार्टी से भी ये मामला जुड़ा इंसान नकवी साहब का, तो आप लोग अपने लोगों को नहीं अब तक फैसिलेट करवाने में जो है वो कामयाब हो सके हैं, तो बाकी आवाम के लिए क्या होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है आप इस वक्त बैठे हैं वफाक के साथ लाए करके, ठीक है, तो लोग आपकी तरफ ज़्यादा देख रहे हैं कि आप ज़्यादा इसको फोर्सफुली पुश अप करें, प्राइम मिनिस्टर साहब आपके एक्सेस में हैं, आपके वज़रा हैं वहाँ पे दो, अभी तो रिसेंटली अमीन साहब भी बने हैं, तो ये कब होगा कि 6 दिन हो चुके हैं, इट्स लाइक 1 वीक हैज बीन डन। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, और इसी मुझे याद है जब गवर्नर साहब और ये फेडरल मिनिस्टर अंसार नकवी साहब के घर पे आए थे और मुलाकात की थी, तो उस वक्त भी हमारा एम्फेसिस यही था कि इसको ASAP जो है तमाम के लिए, नॉट जस्ट फॉर अंसार भाई, सबके लिए जो है वो जितनी जल्दी ये प्रोसेस है, अब मुझे टाइम बढ़ा दुख बढ़ता जा रहा है लोगों का। एग्जैक्टली सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि उस वक्त गवर्नर साहब के बकौल 15 दिन का प्रोसेस था ये, और उसमें लगने है बड़ा कर्बनाक ये पीरियड है। अल्लाह पाक जो है वो ये एक तो ये जितना भी प्रोसेस है, विदाउट गोइंग इनटू द, फिर मैं दोबारा कहूँगा कि इस पर खुदारा मतलब पॉलिटिक्स करने की जरूरत नहीं है। मतलब हमने एम्बुलेंस भेज दी, भाई एहसान किया आपने, आप सिंध हुकूमत है, हादसा यहाँ पे हुआ है, तो आप किसी पे एहसान थोड़ी कर रहे हैं कि इस्लामाबाद से आनी थी कि एम्बुलेंस, तो ये बातें ना की जाए। यहाँ एक प्रॉब्लम हुई है और एक अफसोसनाक वाकया हुआ है, उस पर बजाय इसके कि सियासत करें, आप जो काम करना है वो कीजिए। मतलब अगर इनका DNA का जो सिस्टम है, जो यहाँ पे मैचिंग का जो भी प्रोसेस होता है वो था अवेलेबल, तो गवर्नर साहब को नहीं पता था। मतलब अच्छा। ये लेवल चीजें चल रही हैं, अगर था तो पता नहीं कौन से स्टेट ऑफ द आर्ट अगर आपने लगाया हुआ था, तो एवरीबॉडी मतलब सब कुछ पता होना चाहिए ना। नहीं मेरा पॉइंट सिर्फ इतना सा है, पता या नहीं है तभी तो उन्होंने रेफर किया, अब ये कह रहे हैं यहां पे तो उसको करें फिर है, तो फिर उसकी एक तो प्रोपेगेशन आपके पास चीजें होनी चाहिए, आपका सेहत का निजाम इतना अच्छा होना चाहिए था कि आप इसको टेकअप करते, आप इसको खुद ओन करते। यहाँ ओनरशिप का फुकदान नजर आ रहा है, ठीक है फेडरल अपनी तरफ से अपने तई जो भी जो एफर्ट्स हैं वो सारे काम कर रही है, बट अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी लाई करती है प्रोविंशियल साइड पे कि आप कितना फैसिलिटेट कर रहे हैं, कितना लोगों के पास जा रहे हैं, कौन गया है CM साहब ऐसे, मतलब मुझे याद है अभी भी वो 2-4 दिन मतलब रेगुलर बेसिस पे आके आप एक प्रेशर दे रहे होते हैं, 3 वजीर की जो उनकी टीम है वो आके डेली किसी ड्यूटियां लगाई हुई है सबने कि आज मुझे आना है, परसों कल तुम्हें आना है, और इस तरह तो इस सिचुएशन पे भी आ जाते, खड़े हो जाते, ठीक है, दो आंसू मतलब उनके साथ अगर आप बैठ जाते, दादरसी कर लेते, उनके दुख शेयर कर लेते, तो ये सिचुएशन तो नहीं हुई है। ठीक है ठीक है, बहुत शुक्रिया अली खुर्शीदी आपका, इस्माइल राहू साहब आपका, अली अजीज जी, ये आंसू बहाने नशा गली जैसे, जी 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 बोलिए बोलिए, नशा गली में आंसू बहाने के जी, इस्माइल राहू साहब क्या कह रहे हैं? मैंने कहा कि ये आंसू बहाने नशा गली गए थे बेचारे, दर्द में दुख में तैयारे सानिए में। सही है, ये राव साहब ये टाइम नहीं है कि नथिया गली गए थे, आपको अफसोस अफसोस की बात है कि आप इस तरह बात कर रहे हैं, बात ये वो टाइम नहीं है नथिया गली वाला जो आप बात कर रहे हैं, बातें बहुत है,
अगर यहाँ मैं बोलने बैठूंगा ना तो फिर आप चुप हो जाएंगे। ये मौका नहीं है इस वक्त। जिन लोगों के लोग शहीद हो गए बजाय उनके सपोर्ट के लिए आप करें काम, उनके लिए काम करें। आप बात को, आपको मजाक सूझी हुई है यहाँ पे, अफसोस की बात है, शर्म आनी चाहिए आपको। चले चले, बहुत शुक्रिया। अब तीनों मौजूद मेहमानों का बेहद शुक्रिया। मैं खुद भी नहीं चाह रही हूँ कि आज इस तरह से कोई इस तरह की बात हो प्रोग्राम में, क्योंकि दिल बड़े ही, मैंने जैसे कहा था, दुखी है। और इस वक्त ऐसी सूरत हाल नहीं है, इस वक्त उन लोगों को फैसिलिटेट करना है जिनके प्यारे चले गए हैं, जिनके लिए वो तड़प रहे हैं, जिनकी रिमेन्स के लिए, जिनकी बॉडी के लिए, ये सबकी कलेक्टिवली जो है कोशिश होनी चाहिए कि उसके लिए फैसिलिटेट किया जाए। इसी के साथ जी अपनी मेज़बान ला सैफी को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।